Subscribe to AdiYog technical channel for getting latest technological updates with Baba AdiYog Prasad. Hello, what's up guys, welcome back to the video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to AdiYog technical. Windows 10 को कुछ लोग बहुत ज़्यादा पायरेटेड यूज़ करते हैं और भैया जो लोग देख रहे हो वाई शुड बी गोइंग फॉर अ जेन्यून विंडोज़ वाली वीडियो मेरी सीधे सीधे शब्दों में समझाऊंगा मैं आपको तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एज आई ऑलवेज से लेट्स मूव ऑन टू दी वीडियो. तो आप लोगों का कंप्यूटर आप मान लीजिए यूज़ कर रहे हो एंड सडन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत ही इंफॉर्मेटिव डेटा आप देख रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो. मान लो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम देने चले गए आप, आपका कंप्यूटर की एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है. उसका रीज़न एक और होता है कि आपके अगर कंप्यूटर में जेन्यून विंडोज़ नहीं है तो वायरस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और वो क्यों बढ़ते हैं वो मैं बताऊँगा अभी आपको. पहले रीज़न्स सुन लीजिए कि आपको जेन्यून विंडोज़ में अगर नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती हैं. कंप्यूटर आपका BSOD देके बंद हो जाएगा, कभी कभी आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप्स होंगी उसके अंदर, कभी कभी एन नंबर ऑफ टाइम्स क्रैश करेगा, हाई CPU टाइम्स आपको देखने को मिलेंगे एंड इवन जो आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम पोटेंशियल परफॉर्मेंस होती है ना वो भी अचीव आप नहीं कर सकते हो समटाइम्स, क्योंकि बैकग्राउंड में ये जो क्रैक वाले सॉफ्टवेयर होते हैं रन कर रहे होते हैं और ये डेटा थेफ्ट कर रहे होते हैं आपका. अब मैं आता हूँ आपको बताता हूँ कि डेटा थेफ्ट होता कैसे. जिसका आपका कंप्यूटर है आपने उसमें क्रैक का सॉफ्टवेयर लगाया, वो उसने आपकी विंडोज़ को एक्टिवेट कर दिया. विंडोज़ में एक इनबिल्ट फीचर होता है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, वो ये होता है कि विंडोज़ ऑलवेज नोज कि कौन आदमी जेन्यून विंडोज़ यूज़ कर रहा है और नहीं कर रहा है. वो इस तरीके से कि विंडोज़ का एक फाइल होती है, एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर एल्गोरिथम का, कि अगर उस प्रोग्राम को कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके स्टॉप करे, रोके या मॉडिफाई करना चाहे तो वो तुरंत आपके कंप्यूटर की पूरी सिक्योरिटी जो होती है ओवरऑल उसको ज़ीरो कर देता है. आपका विंडोज़ डिफेंडर काम करना बंद कर देगा, आपके कंप्यूटर में वायरसेस आएंगे, आपके कंप्यूटर की विंडोज़ फायरवॉल तक के वर्क नहीं करेगी. तो उस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ी होने के बाद वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो आपका कंप्यूटर में विंडोज़ डिफेंडर भी नहीं चल रहा है बट आपका विंडोज़ एक्टिवेटेड दिखाएगा, बट वो होता नहीं है, वो सिर्फ एक उस फाइल को हटा के स्टॉप कर देता है. बस इसके वजह से आपके पूरे कंप्यूटर की सिक्योरिटी उड़न छू. तो भाई ऐसे में आपको क्या करना चाहिए वो ये है कि विंडोज़ को जेन्यून लेना चाहिए. OEM की आजकल तो कीज़ मिल जाती हैं, काफ़ी चीप में मिल जाती हैं, 1000 के अंदर भी मिल जाती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर आप उसको चेक कर सकते हो जाके. दूसरा, आप लोगों को विंडोज़ 10 जेन्यून इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि डेटा थेफ्ट हो सकता है. अगर मान लो यार आप लोग शॉप में यूज़ कर रहे हो, अपने किसी ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, कितने अमाउंट ऑफ मनी का उसमें, मतलब चाहे 10 रुपये से लेके मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ की भी आपकी फ़ाइल अगर सेव है, पैसे तो पैसे होते हैं, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 20 हो, चाहे करोड़ हो, उसके बारे में कोई भी आप लोगों को विंडोज़ को हैक कर सकता है. विंडोज़ फायरवॉल नहीं चल रही होगी आपकी, विंडोज़ डिफेंडर नहीं चल रहा होगा, प्लस आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में कितने ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे जो कि उस एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए, जिसके वजह से आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, आपके कंप्यूटर के सेंसर्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इसके वजह से आप लोगों के टेम्परेचर भी CPU के हाई रहते हैं. ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है कि मेरे CPU के टेम्परेचर व्हेन आई यूज्ड पायरेटेड विंडोज़ 70-71 तक के आइडल होते थे, बट जब मैंने इसमें जेन्यून विंडोज़ डाला तो उसके जो टेम्परेचर्स हैं वो 60 से नीचे चले गए इन स्टॉक कूलर इन लखनऊ विद अ 35 डिग्री एम्बिएंट रूम टेम्परेचर. तो ये एक चीज़ है जो मैंने फेस करी हुई है, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ. तो चोरी वोरी मेरे साथ नहीं हुई, आई ऑलवेज यूज एंटीवायरस प्रोग्राम, बट एंटीवायरस प्रोग्राम पे अगर आप हर साल एक खर्चा करोगे, इससे अच्छा 1000 के नीचे आप विंडोज़ की खरीद लो, विंडोज़ डिफेंडर यूज़ करो, काफ़ी हद तक कि आपको प्रोटेक्ट कर देता है. और अगर आप लोग इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हो देन गो फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन दैट सिस्टम, बट जेन्यून विंडोज़ इज मस्ट. विंडोज़ 10 वैसे भी अब विंडोज़ ने बोल दिया था कि इसके अलावा कोई और विंडोज़ लेके वो नहीं आएगा, तो विंडोज़ 10 ले लो यार, विंडोज़ इज़ द बेस्ट हम जैसे लोगों के लिए. बाकी आप लोग मैक यूज़ करो, विंडोज़ यूज़ करो, उससे आई हैव नो इशू. तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो रिगार्डिंग जेन्यून विंडोज़ तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टिल वी मीट अगेन, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा. एंड प्लीज़, परफॉर्मेंस अगर आप लोग अपने सिस्टम की अच्छी चाहिए तो जेन्यून विंडोज़ इज़ मस्ट.
सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन प्लस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी एप्स होती हैं जो कि आपके काम के आ सकती हैं। ठीक है, तो बाय बाय।